दोस्तों आज हम बात करेंगे YouTube की अलग अलग कैटेगरी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि सर फूड चैनल कौन सी कैटेगरी में आएगा, सर मैं तो पनीर का पराठा बनाना सिखाता हूँ कौन सा कैटेगरी चूज करूँ, सर मैं न्यूज सुनाता हूँ कौन सा कैटेगरी चूज करूँ, सर मैं फैक्ट के वीडियो बनाता हूँ कौन सा कैटेगरी चूज करूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि भाई किस तरह की वीडियो में कौन सी कैटेगरी आपको चूज करनी चाहिए, और अगर आप सही कैटेगरी चूज करते हो आपके चैनल पे तो ये आपके SEO के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। टोटल 15 कैटेगरी आपको YouTube में मिलती है और मैं सारी की सारी एक्सप्लेन करने के ट्राई करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैग। तो भाई हमारे चैनल पर कुछ नए गिव अवे वाली वीडियो आ गई है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि 20 सितंबर को रिजल्ट निकालने वाला हूं, वो भी लाइव आकर। चलिए बात करते हैं कैटेगरीज की। तो टोटल 15 कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है वो है फिल्म एंड एनिमेशन। अब फिल्म एंड एनिमेशन जो कैटेगरी है वो एक्चुअल में उन चैनल्स के लिए होती है जहां पे या तो पूरी की पूरी मूवी अपलोड की जाती है या मूवी के बिहाइंड द सीन्स अपलोड किए जाते हैं कि भाई मूवी मेकिंग कैसे होती है, या फिर मूवी के कुछ सीन्स अपलोड किए जाते हैं या मूवी से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी इसी के अंदर जुड़ी हुई है एनिमेशन, जहां पर एनिमेटेड वीडियो दिखाए जाते हैं वहां पे एनिमेशन कैटेगरी चूज की जाती है। अब एक चीज और भी है, अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई एनिमेशन कैसे बनाते हो, एक ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो यहां पे आप एनिमेशन नहीं चूज करें, इसके लिए मैं अलग चीज बताऊंगा अभी आपको। ये जो फिल्म एंड एनिमेशन की कैटेगरी है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है या फिर प्रोडक्शन हाउसेज है वही सब यूज करते हैं, तो ये चीज है। अब अगली बात करते हैं, अगले जो कैटेगरी वो है ऑटो एंड व्हीकल्स। अब ऑटो एंड व्हीकल्स में क्या क्या आता है, कार हो गया, बाइक हो गया, यानी जो भी हमारे मोटर वाहन है, जो हमारे यातायात के साधन है, उनके बारे में या तो आप ये सिखाएं कि भाई मॉडिफाई कैसे करें या रिपेयर कैसे करें, या फिर आप इनको चलाना सिखा रहे हो, या नई नई जो अपडेट्स आ रहे हैं कि भाई कौन सी कार लॉन्च होगी, कौन सा मोटरसाइकिल लॉन्च होगा, इसके बारे में आप बता रहे हो, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो आप बता रहे हो, ये सब चीज आती है ऑटो एंड व्हीकल्स में। तीसरी जो कैटेगरी है वो है म्यूजिक कैटेगरी, और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो म्यूजिक वीडियो होते हैं, जैसे कि म्यूजिक वीडियो तो होते हैं, जैसे कोई गाना आपने बनाया, कोई सॉन्ग बना लिया या कोई कवर सॉन्ग बना लिया, वो म्यूजिक कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट की जानकारी देते हो, कोई भी वाद्य यंत्र जिसको हम साउंड में यूज करते हैं, जैसे तबला हो गया, इसके अलावा हारमोनियम हो गया, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक में यूज किया जाता है, उसके बारे में अगर आप नॉलेज देते हो या उसको सिखाते हो कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम तबला बजाना सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आती है म्यूजिक कैटेगरी में। अगली जो कैटेगरी है ये है पेट्स एंड एनिमल। अब ऐसी वीडियोज जिनमें हम किसी जानवर की बात करते हैं या कोई पक्षी की बात करते हैं, कोई भी ऐसे पालतू जानवर जैसे कुत्ता हो गया, कुछ लोग बंदर भी पालते हैं, कुछ लोग खरगोश पालते हैं, कुछ लोग सफेद कबूतर पालते हैं, मुर्गा हो गया, ऐसे जो भी चीजें हैं जो हम पालते हैं उनके बारे में बात करते हैं, या फिर जानवरों की बात करते हैं, अब उनकी कोई बीमारी के बारे में बात कर रहे हो या फिर उनकी नस्ल के बारे में बात कर रहे हो या उनको कौन सा फूड देना चाहिए, मान लो डॉग है आपके पास कौन सा फूड देना चाहिए, इस तरह के जो वीडियोज होते हैं, या मान लीजिए कुत्ते को कोई बीमारी हो गई, इसमें कौन सा उसको फूड दें, कौन सी दवाई दें, ये जितने भी ऐसे वीडियोज होते हैं ये पेट्स एंड एनिमल में आते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स। आप देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, जितने भी खेल है, क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे खेल है, जैसे क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, अब या तो आप इनकी वीडियोस डाल रहे हैं या फिर इनके बारे में बता रहे हैं, आप कोचिंग दे रहे हैं कि भाई फुटबॉल ऐसे खेल सकते हैं या फिर आप सिक्स ऐसे मार सकते हैं या फिर आप बॉलिंग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि आप एक कोचिंग दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जूडो कराटे भी एक खेल है या ताइक्वांडो है, ऐसे कोई भी गेम जिसके बारे में या तो आप कोचिंग दे रहे हैं या खेल के बारे में कोई अपडेट दे रहे हैं, ये सब स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है। अगली जो कैटेगरी है ये है ट्रेवल्स एंड इवेंट। अभी ट्रैवल एंड इवेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो तरह की चीजें जुड़ी हुई है, जैसे फिल्म और एनिमेशन अलग अलग थी, सेम वैसे ट्रैवल अलग है और इवेंट अलग है। ट्रैवल वो है जहां पे ट्रैवल वीडियोस आपको दिखाई जाती है कि भाई जैसे कोई नई नई पैलेस के बारे में बताते हैं कि भाई देखिए आज मैं सिक्किम में हूँ, आज मैं गंगटोक में हूँ, आज मैं दार्जिलिंग में हूँ, या फिर मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ कि भाई दार्जिलिंग कैसे जाते हैं, गंगटोक कैसे जाते हैं, यानी अलग अलग प्लेस के बारे में अगर मैं जानकारी दूं, या फिर कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूं कि अगर आप US की यात्रा कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान में रखें, या फिर आप मान लो श्रीलंका जा रहे हो तो ये चीजें ध्यान में रखें, आपको ऐसे यहाँ पे टिकट मिलेगी, ऐसे वीजा मिलेगा, यहाँ से आप जहाज बुक कर सकते हैं,
यहां से आप ऑटो बुक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती है ट्रेवल के अंदर। इसके बाद आता है इवेंट्स। अब इवेंट वो होते हैं जो इवेंट कराए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम हुआ, किसी भी संस्था ने प्रोग्राम करवाया या किसी ने प्रोग्राम कराया, उसका कोई वीडियो आपने ले लिया या वहां पे कोई एक्टिविटी आपने करी, वो होते हैं इवेंट्स जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऐसी कोई भी आपकी वीडियो है ट्रैवल एंड इवेंट्स में ही आएगी। दोस्तों अगली जो कैटेगरी है ये है गेमिंग कैटेगरी। अब देखिए गेमिंग कैटेगरी में कई तरह के वीडियोस आते हैं, जैसे आप गेम के बारे में कोई टिप दे रहे हैं या किसी गेम का रिव्यू कर रहे हैं या गेम के रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स के बारे में बता रहे हैं या आप खुद ही गेम खेल कर दिखा रहे हैं या कोई गेम से रिलेटेड आपने स्टोरी जनरेट की उसमें गेम भी खेल के दिखाया है, ये सारी चीजें आती है गेमिंग कैटेगरी में। या आप गेमिंग का कोई लाइव परफॉर्म करते हैं, लाइव गेम परफॉर्म करते हैं, वो भी गेमिंग में आती है। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग्स। अब पीपल एंड ब्लॉग्स की जो कैटेगरी है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऐसी कोई चीज जिसमें आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं, किसी के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं या किसी की भी जीवन के बारे में कोई बात कर रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी ने कुछ बोला है, सेलिब्रिटी टॉक्स जो होते हैं उन सबको भी पीपल एंड ब्लॉग्स में डाला जाता है। इसके अलावा आप किसी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं या कोई ब्लॉग है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पीपल एंड ब्लॉग्स में आप डाल सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है यह है कॉमेडी। अब जो कॉमेडी कैटेगरी है इसमें वो वीडियो आती है जैसे कि आपकी कैसी भी वीडियो हो, चाहे वो एनिमेटेड वीडियो हो या आपने कोई स्टोरी सुनाई हो या आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें फन क्रिएट होता है, ह्यूमर क्रिएट होता है, लोग हंस रहे हैं, आप चाहे कोई चुटकुला सुना रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो या कोई वाइन बना रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज जिससे लोगों को हंसी आ रही है, लोगों के फेस पे स्माइल आ रही है, लोग हैप्पी हो रहे हैं, उस पे आप कॉमेडी कैटेगरी चुन सकते हो। अगली जो कैटेगरी ये है एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट जो कैटेगरी है वो थोड़ी अलग है। एंटरटेनमेंट कैसे, जैसे मान लीजिए कोई जादू दिखा रहा है स्टेज पे तो वहां वो एंटरटेन कर रहा है आपको, या कोई लाइव शोज कर रहा है या कोई ऐसी चीज जो आपको एंटरटेन कर रही है, कुछ भी आप बता रहे हैं या कोई आपने कोई ऐसी चीज का वीडियो बना लिया जो कुछ कुदरती हुई लेकिन उससे लोग एंटरटेन हुए, तो उसमें आप एंटरटेनमेंट का कैटेगरी चुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप क्रिएट करके भी, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आप क्रिएट करते हैं उनसे आप एंटरटेन होते हैं, चाहे भले आपको हंसी ना आए, अगर आपको हंसी आ रही है तो आप कॉमेडी में डालेंगे, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हैरतअंगेज कारनामे भी होते हैं जिनसे लोग एंटरटेन होते हैं, या फिर जैसे डांस हो गया, डांस वीडियो भी एंटरटेनमेंट में आती है, या फिर आपने शायरी है, कोई शायरी का कोई चैनल बना दिया, ये सारी चीज आएगी एंटरटेनमेंट में, तो आप इसको एंटरटेनमेंट में डाल सकते हैं। अब अगली जो कैटेगरी ये है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। अब ये तो नाम से आपको पता चल गया होगा भाई न्यूज एंड पॉलिटिक्स क्या है। देखिए जो भी करंट मुद्दे होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, इन पे अपनी ओपिनियन देना या फिर कोई भी न्यूज फटाक से बता देना कि यहाँ पे ये हो गया या वहां पे ये हो गया, या फिर पॉलिटिक्स यानी राजनीति के बारे में कोई नई न्यूज आई है या राजनीति से रिलेटेड कोई हम बात कर रहे हैं या आप किसी नेता पे कोई ओपिनियन दे रहे हैं या किसी नेता की बात को आप बता रहे हैं कि उसने ये बोला है, ये सब आएगा न्यूज एंड पॉलिटिक्स में। अगली जो कैटेगरी है ये है हाउ टू एंड स्टाइल। अब ये जो हाउ टू एंड स्टाइल है इस कैटेगरी में दो तरह के वीडियोस आते हैं। पहला है हाउ टू, यानी ऐसे वीडियो जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं, जैसे कि भाई मटर पनीर कैसे बनाए, पराठा कैसे बनाए, बहुत लोग पूछते हैं कि कुकिंग चैनल कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी आप चुन सकते हैं। या आप कोई ट्यूटोरियल बता रहे हैं या आप एडिटिंग सिखा रहे हैं कि भाई ये कैसे एडिट करेंगे, या कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हाउ टू यानी कि गाइड कर रहे हैं किसी को कि ये चीज ऐसे होती है, वो हाउ टू एंड स्टाइल में आएगा। और यहाँ पे जो स्टाइल है इसका मतलब आप फैशन के बारे में कोई वीडियोस बना रहे हैं, तो वहां इन दोनों तरह की कैटेगरी में आप हाउ टू एंड स्टाइल चुन सकते हैं। इसके बाद आता है एजुकेशन। अब एजुकेशन में मैं आपको बता दूं, आप किसी को एडुकेट कर रहे हो, किसी को नॉलेज दे रहे हो, चाहे भले ही वो जो नॉलेज है वो स्कूली दे रहे हो आपके या दसवीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो या आप कंपटीशन एग्जाम करा रहे हो या इसके अलावा आप मोटिवेशनल होता है ना वो भी एजुकेशन में आता है, या आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो या फिर मार्केटिंग आप सिखा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग आप सिखा रहे हो, ये सारी चीज एजुकेशन में आती है। जो भी चीज आप किसी को एडुकेट करो वो सब एजुकेशन में आएगी। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, आज 15 कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो इन 15 कैटेगरी से भी अलग है तो उसके लिए आप एजुकेशन चुन सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें किस तरह की वीडियोस आती है बता दूं, जैसे साइंस की कोई वीडियो होती है जिसमें विज्ञान के कुछ हम टेस्ट करते हैं, विज्ञान के कुछ परीक्षण करते हैं, इस तरह की वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगी, या फिर कोई चीज जैसे टेक्नोलॉजी के कोई गैजेट्स है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसके बारे में बता रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो भी इसमें आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा फैक्ट के जो चैनल होते हैं तो फैक्ट के चैनल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आते हैं, या फिर कोई इनोवेशन किसी ने किए उसके बारे में आप बता रहे हैं, या फिर किसी के बेनिफिट्स के बारे में आप बता रहे हैं कि भाई ये एक प्रोडक्ट है इसका ये बेनिफिट होगा टेक्निकली, अगर टेक्निकली है तो वो चीज, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही वो चीज आती है। और इसके अलावा एक लास्ट कैटेगरी बचती है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। अब ये नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म क्या है,
जो एक्टिविस्ट होते हैं वो इस कैटेगरी को चुनते हैं। जैसे कि मान लो मेरा कोई एनजीओ है, मैं उसमें कोई एक्टिविटी करता हूं, या फिर जैसे आपने एक चैनल देखा होगा ध्रुव राठी, अब वो क्या करते हैं, वो एक एक्टिविस्ट है, तो उनका चैनल क्या है, नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म, यानी वो एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो आपको नई नई चीजें बताते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, लेकिन उससे वो प्रॉफिट नहीं कमाते, समझ रहे हो, जैसे एनजीओ वगैरह है, हालांकि वैसे पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉन प्रॉफिट में आता है वो। तो जो नॉन प्रॉफिट वाली चीजें हैं, जैसे आप किसी की मदद कर रहे हैं, मान लो आप कोई संस्था बना के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्टिविज्म आप कर रहे हैं, तो नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म में आएगा। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो कि भाई ये वाला वीडियो किस कैटेगरी में आएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने सारे के सारी कैटेगरी को एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।